तो कैसी है हमारी डीप लाइफ फैमिली, मैं हूं आपका डीप लाइफ एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ डीप लाइफ कस्टम्स। तो डीप लाइफ फैमिली, जब मैं बचपन में थोड़े टाइम के लिए छोटा था तभी मैं स्कूल जाता था, और स्कूल में जब भी ऐसा पीरियड होता था जिसमें टीचर नहीं आई है तभी हम लोग के पास होती थी एक रफ बुक। तो रफ बुक में मैं कैरेक्टर्स ड्रॉ करता था एंड स्पेशली एक कार्टून हम लोग के टाइम पे बहुत फेमस था, मैंने कार्टून बोल दिया पर कार्टून नहीं बोलूंगा, इसको बोलेंगे एनिमे। तो इस एनिमे का नाम था ड्रैगन बॉल जी। मुझे उसके कैरेक्टर्स बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद था और मैं अपने फ्रेंड्स के लिए कैरेक्टर्स बना के देता था। बहुत सारी लड़कियों को भी ड्रैगन बॉल जी में इंटरेस्ट था और मैं उनकी रफ बुक्स भी कैरेक्टर्स से भर देता था। दैट इज वाई स्लोली स्लोली जाके मैं स्कूल में एक बहुत पॉपुलर स्टूडेंट बन गया मेरी बैच में। वैसे तो आर्ट हमेशा से मेरा पैशन था पर रोज ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर्स बना के मैं आर्ट में थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो गया। तो गाइज, मे बी ड्रैगन बॉल जी के वजह से इन अ वे ड्यू टू बटरफ्लाई इफेक्ट हम लोग का चैनल आज इतना बड़ा है, इतने ज़्यादा लोग हम लोग एक साथ ला पाए हैं। और मैंने सोचा जो ड्रैगन बॉल जी का लीड कैरेक्टर है, जो हीरो है गोकू, वो मैं आज मेरे टैबलेट पे बनाऊंगा क्योंकि उसने मुझे थ्रू आउट माई लाइफ बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम जाते हैं मेरे ड्रॉइंग टेबल पे एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस कस्टमाइजेशन। कवर में से निकाल लेते हैं हमारे टैबलेट को। इस शाइनी शाइनी टैबलेट पे हम लोग करने वाले सर्जरी, जिसके लिए हम लोग को लगेगा थोड़ा कॉटन और थोड़ा एसीटोन। एसीटोन से मैंने टैबलेट को अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। गाइज, ये जो गोकू है ये पैदा स्ट्रांग नहीं हुआ था। इनके एनिमे में हर एक बच्चा एक पावर लेवल के साथ जन्मता है, तो इसकी पावर लेवल बचपन में बहुत कम थी पर इसने ट्रेनिंग की और इसकी पावर लेवल बढ़ाई। इवन इफ यू आर नॉट गुड एट समथिंग बट आपको वो चीज़ पसंद है तो भी आफ्टर ईयर्स ऑफ वर्क यू कैन गेट बेटर एट इट। जो टैलेंटेड बंदा है उसके आगे आप जा सकते हो सिर्फ मेहनत करके लाइफ में। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि हार्ड वर्क
बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। ड्रैगन बॉल जी इस एनिमे में सबके मसल्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, सब मस्क्यूलर है, तो वहाँ से मुझे लिफ्टिंग की इंस्पिरेशन मिली कि इवन आई स्टार्टेड गेटिंग इन टू वर्कआउट्स, आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एंड आई गॉट माई फिटनेस सर्टिफिकेशन। तो येस गाइज, इस एनिमे ने मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। तो बच्चों को आप जो चीज़ दिखाते हो बचपन में, वो उनके लाइफ में जाके बहुत बड़ा इम्पैक्ट और रोल प्ले कर सकती है। इसलिए कीप अ वॉच आजकल के बच्चे क्या देख रहे हैं, यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, क्योंकि दैट विल बेसिकली इन अ वे शेप देयर फ्यूचर। वैसे आप लोग या आपके बच्चे या जान पहचान वाले डीप लाइफ का चैनल नहीं देख रहे तो क्या कर रहे हो दोस्तों, जाके सब्सक्राइब करो और घंटी भी दबा दो, आपको नोटिफिकेशन आएंगे एवरी सिंगल टाइम व्हेन आई अपलोड अ वीडियो। तो गाइज, आजकल गोकू जाके भगवान से लड़ाई कर रहा है, डीबीजी सुपर आई है एंड उसमें लिटरली ही इज फाइटिंग विद द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। जब भी धरती पे संकट आता है तो गोकू पूरी ताकत लगा देता है कि पूरी धरती को बचाए, ना कि अपनी फैमिली को बचाए, जैसे बहुत सारे लोग आजकल कर रहे हैं। बेसिकली अपने पॉकेट्स भर रहे हैं, अपनी फैमिली का सोचते हैं। पर मैंने गोकू से ये सीखा है कि यू हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट द होल वर्ल्ड रादर देन योर सेल्फिश मोटिव। अच्छाई के लिए, ह्यूमैनिटी के बेटर गुड के लिए आपको अगर खुद को सैक्रिफाइस करना पड़े तो वो भी करने के लिए गोकू हमेशा तैयार होता है। वेल, अगर आपको आपकी कोई भी चीज़ कस्टमाइज करवानी हो मेरे से तो यू जस्ट हैव टू DM मी हियर ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं आपकी चीज़ों को ऐसे ही कूल बना दूंगा। हमारे चैनल पे वैसे बहुत सारे गिव अवेज होते रहते हैं, तो जब भी गिव अवे होता है उसके विनर्स इंस्टाग्राम पे अनाउंस होते हैं, तो जरूर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना। अराउंड ईयर बैक मैं इस चैनल पे फैशन कंटेंट भी डालता था, पर अभी ये चैनल मैंने आर्ट को बहुत ज़्यादा डेडिकेट कर दिया है और फैशन के लिए मैंने एक नया चैनल बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके ज़रूर फॉलो करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई नो आप हर एक बंदे या बंदी में एक गोकू, एक हीरो छुपा हुआ है।